हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, प्रो कबड्डी सीजन जो 11 होने वाला है वो जल्दी होने वाला है। तो यूपी योद्धा के ट्रायल्स पहले हो चुके थे उनकी, यूपी योद्धा की जो अकेडमी है, बीके अकेडमी, वहां पे। लेकिन अभी अभी न्यूज आई है कि वापस यूपी योद्धा के ट्रायल्स होने वाले, ओपन ट्रायल्स होने वाले ही है। तो कोई भी वहां पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है, ट्रायल दे सकता है। ये एनवाईपी प्लेयर्स की खोज के लिए है। एनवाईपी प्लेयर्स खोज रहे यूपी योद्धा। ये जो ओपन ट्रायल होने वाले हैं वो साउथ जोन के लिए होने वाले हैं। तो उसका पूरा डिटेल मैं बताता हूँ आपको। डेट कौन सी है, टाइमिंग क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल मैं आपको समझाता हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कबड्डी खेलना चाहते हैं, प्रो कबड्डी खेलना चाहते हैं, उनको जरूर ये शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज आपके फ्रेंड्स तक शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट आती रहती है कबड्डी की मेरे चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बहुत सारे टूर्नामेंट आने वाले कबड्डी के, नेशनल इंटरनेशनल, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी आपको डिटेल समझाता हूँ यूपी योद्धा के ट्रायल कहाँ पे होने वाले, टाइमिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, डेट कौन सी है। यूपी योद्धा के ओपन ट्रायल जो होने वाले हैं साउथ जोन के लिए होने वाले, मतलब ये चेन्नई में होने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते वीडियो, आपको बताता हूँ पूरा डिटेल। जो ट्रायल्स है उनकी डेट के बारे में बात करेंगे तो 9th एंड 10th मई को होने वाले, 2024। 9th एंड 10th मई 2024 को ये 2 दिन ये ट्रायल्स होने वाले। अगर इसके एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज होनी चाहिए 18 से 22 साल के अंदर, 18 to 22 जो एज है उसके अंदर एज होना चाहिए, तो आप ट्रायल दे सकते हो। ट्रायल के लिए जो एड्रेस है वो है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। SRM यूनिवर्सिटी में ये ट्रायल्स होने वाले हैं। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो मॉर्निंग 10 बजे होने वाला है, 9th को भी और 10th को भी। 9th एंड 10th मई को मॉर्निंग 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। 9th मई को तो आपको शार्प 10 बजे वहां पे पहुंचना है। अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं उसके बारे में बताता हूँ। आधार कार्ड ओरिजिनल और 2 जेरोक्स ये लेके जाना है आपको, और AKFI कार्ड कैरी करना है। AKFI कार्ड आपका होना जरूरी है। अगर आपको AKFI कार्ड के बारे में पता नहीं है तो जरूर, मैंने वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। पूरा डिटेल मैंने दिया है AKFI कार्ड कैसे रजिस्टर करना है, कैसे बनाना है। AKFI कार्ड के बिना आप ट्रायल नहीं दे सकते। तो अगर आपने AKFI कार्ड नहीं बनाया तो जरूर मेरे चैनल पे जाइए, पूरा डिटेल देखिए वीडियो। AKFI कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए और AKFI कार्ड बनाइए। AKFI कार्ड और आपकी आधार कार्ड की जेरोक्स और आधार कार्ड ओरिजिनल और 3 फोटो लेके जाना वहां पर। 9th मई को जो रजिस्ट्रेशन है वो मॉर्निंग 11:30 तक चलेगा। 11:30 के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो 9th मई को 11:30 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हो, तो उसके पहले ही रजिस्टर करके रख लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। तो आपको पूरा डिटेल मैंने समझाया है। 9th और 10th मई को ट्रायल्स होने वाले। एड्रेस आपको पूरा समझाता हूँ। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कतन कुलतर, तमिलनाडु। जो पिन कोड है वो 603203 इंडिया। इस एड्रेस पे आपको जाना है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग 10 बजे का है। 10 बजे लगा आप पहुंच जाइए, या 10 बजे के पहले ही पहुंच जाइए, हो सके तो 1 दिन पहले पहुंच जाइए, 8 तारीख को ही वहां पे पहुंच जाइए। रजिस्ट्रेशन आप 9 तारीख को 11:30 तक कर सकते हो, मॉर्निंग 11:30 तक। तो रजिस्टर उसके पहले ही कर दीजिए। प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जैसे आपका आधार कार्ड ओरिजिनल, उसके 2 जेरोक्स, 3 फोटो लेके जाइए, और AKFI कार्ड लेके जाना मत भूलिए। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल और 22 साल के बीच में होना चाहिए। तो यूपी योद्धा आपको और एक अवसर दे रही है प्रो कबड्डी खेलने के लिए। एज ए NYP प्लेयर यूपी योद्धा को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप में स्किल है, वो हुनर है, तो जरूर ट्रायल को जाइए, आपका 100% दीजिए, आप जरूर सिलेक्ट होगे अगर आपने मेहनत किया होगा तो। और आप सीजन 11 खेल सकते हो यूपी योद्धा की तरफ से। तो जरूर जाइए ट्रायल के लिए, आपका 100% दीजिए। अगर भगवान ने चाहा, आपका लक साथ दे, आपका मेहनत अच्छा हो, तो जरूर आप सिलेक्ट हो जाओगे। बस इस वीडियो में इतना ही, पूरी जानकारी आपको दी है मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कबड्डी खेलते हैं, जिनको PKL खेलना है, प्रो कबड्डी सीजन 11 खेलना है, उन तक ये डिटेल पहुंचा दीजिए, तो वो भी ट्रायल को जा सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड प्रो कबड्डी स्टार बन सकता है, तो जरूर ये डिटेल आपके फ्रेंड तक जानी जरूरी है।
तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितने मैं वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ या नए कबड्डी के मैचेस के साथ। तो जरूर चैनल के साथ बने रहिए और वापस बोलता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जितने मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।